हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयवीर शाह है। आपका स्वागत है मैक लॉन टू वन की इस सीरीज़ में। ये पर्टिकुलरली ये वीडियो बनाने के पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न है ये न्यूज़। इसमें लिखा हुआ है कि GTU की अब जो भी एग्ज़ामिनेशन रहेगी वो फाइनल ईयर के अलावा सभी स्टूडेंट की MCQ टाइप रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इंडिया पिक्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे इस तरीके का आपके पास व्यू होगा, उसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है। हम अभी लेने वाले हैं FMHM हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूड मैकेनिक्स के 5-5 क्वेश्चन और उसके आंसर, ताकि वीडियो छोटा बना रहे और आपका भी इंटरेस्ट बना रहे इसमें। तो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ, 1 लीटर वाटर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेंटीमीटर क्यूब में। मैं आपको बता दूं कि जो अपनी पानी की बोतल आती है 1 लीटर की, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो 1 लीटर की पानी की बोतल की कितनी सेंटीमीटर क्यूब में कितनी वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स फाइंड इट आउट। जैसे कि हमें क्या याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब, ये इसका कन्वर्जन है। अगर ये याद रहा तो सब कुछ हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 10^-3 को एज इट इज रखते हैं और हमें किस में वैल्यू चाहिए, सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पर मीटर क्यूब की जगह पर लिखते हैं 10^2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हम 10^2 भी लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 10^-3 इंटू 10^2 का क्यूब यानी 6 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमारे पास आंसर आएगा 10^-3 + 6 यानी 10^3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है 10^3 सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं हम ऑप्शन में, एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया है तो आंसर भी बहुत सिंपल है, इट्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 10^3 यानी 1000। ओके, सेकंड MCQ, द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। अब देखते हैं इसके बारे में, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड्स नंबर, मैक नंबर, यूलर नंबर। तो ये जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू से हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डायमेंशनलेस नंबर के बारे में है। तो चलो थोड़ा सा उसका व्यू लेते हैं डायमेंशनलेस नंबर का। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था कि बल्क मॉड्यूलस क्या होता है। बल्क मॉड्यूलस जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉड्यूलस होता है -dp/dv/v। dp है चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं इसको, dv/v चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका यूनिट है N/m². इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं इलास्टिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। इलास्टिक फोर्स का क्या इक्वेशन रहता है, KL², क्योंकि इसका यूनिट है N/m², तो इसको अगर मीटर स्क्वायर के साथ एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एक फोर्स मिलता है। ओके, अब इलास्टिक फोर्स किस में यूज़ होता है, तो हम याद करेंगे मैक नंबर का इक्वेशन क्या है, √ इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स। यानी कि इलास्टिक फोर्स किस में आता है, मैक नंबर में, और बल्क मॉड्यूलस किस में आता है, इलास्टिक फोर्स में। यानी बल्क मॉड्यूलस किस से साथ रिलेट कर रहा है, मैक नंबर के साथ। अच्छा चलो, इसके अलावा कौन कौन से फोर्स हैं और सॉरी कौन कौन से नंबर हैं वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके साथ में हम पहले लिखेंगे रेनॉल्ड्स नंबर, उसका इक्वेशन क्या है, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। बाकी के नंबर है फ्रॉड नंबर, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटी फोर्स, और ये अंडर रूट में। फिर आता है जो इसके अंदर लिखा हुआ है, मैक नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर है, फ्रॉड्स नंबर है, यूलर नंबर, वो होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर फोर्स।
और एक नंबर होता है जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मगर मैं आपको बोल देता हूँ, वेबर नंबर। वेबर नंबर का इक्वेशन होता है अंडर रूट इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा हुआ है इन अ डिप्रेस्ड नेप है, डिप्रेस्ड नेप। ऑप्शन दिए हैं 4। ए द प्रेशर बिलो द नेप इज एटमोस्फेरिक, बी द प्रेशर बिलो द नेप इज नेगेटिव, सी द प्रेशर अबव द नेप इज एटमोस्फेरिक एंड डी द प्रेशर अबव द नेप इज नेगेटिव। यानी कि प्रेशर बिलो या अबव द नेप क्या है, एटमोस्फेरिक है या नेगेटिव है, बेसिकली यही क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि डिप्रेस्ड नेप किसको बोलते हैं और नेप का फंक्शन क्या होता है, ये भी देखते हैं। तो हमारे पास एक फिगर है जहाँ पर हमने देख रहे हैं कि 3 टाइप के नेप हैं। यहाँ पर मैं आपको जूम करके बताता हूँ। एक जो नेप है, ये नेप है फ्री नेप। अब आप नेप समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है, जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है फ्री नेप। ये जो पर्टिकुलर मैं ब्रश का यूज़ करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री नेप, ये फ्री नेप है। और फ्री नेप के अंदर जो पानी आ रहा है, ये पानी का फ्लो हो रहा है, वाटर इज फ्लोइंग। और ये रहा नेप, हमारा जो नेप है वो ये रहा। अब देखो ये वाइट कलर के क्या है, ये वाइट कलर के जो सिंबल है ना, वो सारे हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस, यानी कि नेप के नीचे बिलो द नेप एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रेजेंट, उस नेप को क्या बोलेंगे हम, फ्री नेप। फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा डिप्रेस्ड नेप। अब डिप्रेस्ड नेप पे भी थोड़ा सा ब्रश का यूज़ करते हैं। ये रहा हमारा डिप्रेस्ड नेप। डिप्रेस्ड नेप ये नेप है, ये फ्लो हो रहा है ऊपर से वाटर। और डिप्रेस्ड नेप पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर देखो ये चिपक के जा रहा है पानी, यानी कि द प्रेशर बिलो द नेप इज़ नेगेटिव, मगर यहाँ पर थोड़ी सी एयर प्रेजेंट है। ये जो पोर्शन बना हुआ है वहाँ पर थोड़ी सी एयर प्रेजेंट है, फिर भी प्रेशर बिलो द नेप इज़ नेगेटिव। तो ये हो गया दूसरा टाइप, यानी कि डिप्रेस्ड नेप। अब लेते हैं हम तीसरा टाइप। अब आएगा यहाँ पर तीसरा टाइप। तो यहाँ पर हम तीसरा टाइप बात कर रहे हैं, तीसरा टाइप है क्लिंगिंग नेप। तो क्लिंगिंग नेप, जहाँ से ऊपर से पानी जा रहा है, नेप यहाँ पर है, नेप ये रहा, ऊपर से पानी जा रहा है, और यहाँ पर कोई भी एरिया पे, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक भी प्रेजेंट नहीं है और एयर भी प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइप के नेप को हम बोलेंगे क्लिंगिंग नेप। तो ये 3 टाइप आपको समझ में आ चुके होंगे मेरे ख्याल से, और तीनों की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर से हम आते हैं अपने क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, है क्या डिप्रेस्ड नेप। तो डिप्रेस्ड नेप पे ऑप्शन बी द प्रेशर बिलो द नेप इज नेगेटिव, मगर याद रखिए वहाँ पर थोड़ी सी एयर प्रेजेंट रहती है, क्लिंगिंग नेप में वो नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इन वन डायमेंशनल फ्लो, द फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो की बात चल रही है, फ्लो कैसा है, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म। ए बी टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन, सी टेक्स प्लेस इन अ कर्व, डी टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है और उसको कैसे सही। देखिए दोस्तों, ये दोनों एग्जांपल हैं वन डायरेक्शनल फ्लो के। वन डायरेक्शनल फ्लो में आपको दोनों में समांतर दिख रहा है, ये देखिए और ये देखिए। यहाँ पर दोनों में सभी केसेस में क्या है कि फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। आते हैं अपने MCQ पे। बहुत ही आसान आंसर हो गया, इन अ वन डायमेंशनल फ्लो द फ्लो इज टेक प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है। लिखा हुआ है ऑप्शन है रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टू द एब्सोल्यूट वेलोसिटी विस्कोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड मास ऑफ द लिक्विड। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसको लिख दूँ
छोटे छोटे टर्म में। तो इस तरीके से बोला गया है, ये ऑप्शन ए है वो होता है म्यू डिवाइडेड बाय रो, ऑप्शन बी जो है उसमें बोला गया है रो डिवाइडेड बाय म्यू, ऑप्शन सी जो है वो बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ दी यानी कि म्यू इनटू रो, और लास्ट में बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ दी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड मास ऑफ द लिक्विड यानी म्यू इनटू एम। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बात चल रही है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज इक्वल टू म्यू बाय रो। अब म्यू क्या है? यह है डायनेमिक विस्कोसिटी। आंसर तो आ गया यहाँ पर, मगर थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं क्योंकि एक में से बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो म्यू जो है वो कहाँ से आया? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? टाव इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। टाव इज इक्वल टू सीयर स्ट्रेस, म्यू यानी डायनेमिक विस्कोसिटी, डी यू यानी चेंज इन वेलोसिटी एंड डी वाई यानी चेंज इन लेंथ। अगर म्यू का हम यूनिट निकालें तो वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, और इसको बोल भी सकते हैं हम पास्कल इंटू सेकंड। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अगर हम यूनिट निकालें तो वो होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें और जानना है कि किस तरीके से आए, क्योंकि इसमें से एमकेएस यूनिट भी है, फिर सीजीएस यूनिट भी है, तो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, वरना मैं आपके लिए अगर डाउट है तो और भी वीडियो लंबा कर सकता हूँ, मगर इस वीडियो को छोटा करना है इसीलिए यहाँ पर ही इस डिस्कशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।